जैसा मैंने इसके पहले कई बार याद दिलाया, अपन लोग यहाँ पर पवित्र बाइबल से प्रभु के वचन का अध्ययन करते हैं। पवित्र बाइबल में दो खंड हैं, दूसरा खंड छोटा सा है। इसकी कॉपीज़ यहाँ पर हमने बंगला में, उड़िया भाषा में, बोडो भाषा में और हिंदी में रखा है। यदि आप में से किसी को ज़रूरत हो तो ये गिफ्ट है, यहाँ से उठा लीजिए या आप हाथ उठा दें तो भाई जेफरी आपको लाकर दे देंगे। हम यूहन्ना की पहली पत्री का अध्ययन कर रहे हैं जो हिंदी बाइबल में पेज 332 पर है, और जिनके पास ये नया नियम है इसमें पेज 364 पर है, पेज 364, उसको खोल लें। हम इसके शुरू के चार पदों का या चार श्लोक का अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति पहली बार आया है तो उनको विषय में हमारे साथ लाने के लिए मैं जरा चार पदों को या चार श्लोक को पढ़ के सुना दूँ उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे अपनी आँखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा, आँखों से छुआ, वह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था, हम पर प्रकट हुआ। काफ़ी लंबे वाक्य हैं, लेकिन इसके पहले ये बात मैं आपको याद दिला चुका हूँ कि ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं या वाक्य हैं ये प्रभु यीशु के बारे में हैं। प्रभु यीशु, जिनको अपन हिंदी में ईसा भी बोलते हैं या ईसा मसीह भी बोलते हैं, उनके 12 शिष्य थे। इन 12 शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा भी था जिससे प्रभु का विशेष स्नेह था। उस शिष्य ने प्रभु के वचन में चार पुस्तकों की रचना की है, जिसमें से ये दूसरी पुस्तक है। और यहाँ पर ये महान शिष्य जो कुछ लिख रहे हैं ये प्रभु यीशु के बारे में है। आगे हम पढ़ते हैं, जो कुछ हमने देखा और सुना है इसका समाचार तुमको देते हैं, जिससे कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। एक बात बताइए, आप में से सभी लोगों ने कोविड के समय की परेशानी देखी है। कोविड के समय घर से बाहर निकलना मना, दुकानें खोलना मना, सब कुछ मना हो गया था। ऐसी स्थिति में यदि सरकार ये घोषणा कर देती है कि फलाने दिन फलानी दुकान में चले जाएं तो बोरी भर के अनाज और दाल और तेल और नमक और जो कुछ ज़रूरी है सब फ्री फंड में मिलेगा, जितने लोग जाएं सबको मिलेगा, शर्त यह है कि अपना आधार कार्ड या अपने आइडेंटिटी कार्ड ले जाएं, जिससे कि एक आदमी दो दो चार चार बार ना ले जाए। यदि इस तरह का अनाउंसमेंट होता है तो आप ये खबर अपने तक रखेंगे या अपने आसपास जितने लोग हैं जिनके पास अनाज नहीं है, तेल नहीं है, नमक नहीं है, आप उनको खबर देंगे या नहीं देंगे? हम सब खबर देंगे, हम सब देंगे। आप में से कुछ लोगों को याद होगा कि उस समय जो लोग यहाँ थे उनको याद होगा कि राशन की दुकान पर फ्री में सरकार अनाज की काफ़ी बड़ा थैला और काफ़ी चीज़ें दे रही थी। तब मैंने जाकर वहाँ से लेकर आप में से कुछ लोगों को लाकर दिया था। क्यों? इसलिए कि जब हम भूखे हैं, जब हमको अनाज नहीं मिल रहा है, तब हमको ये बात स्पष्ट हो जाती है कि मेरे भाई बहन मित्र जिनको भी नहीं मिल रहा है उनकी क्या हालत है। और यदि वो फ्री फंड में बट रहा हो और जिसको चाहिए वो जाके ले सकता हो, तो हम ये खबर कभी भी अपने तक नहीं रखेंगे, हम दूसरों को बताएंगे।
उसी तरह से प्रभु के महान शिष्य जिनको संत यूहन्ना कहा जाता है, संत यूहन्ना कहते हैं तीसरे पद में या तीसरे श्लोक में, जो कुछ हमने देखा और सुना है इसका समाचार तुमको देते हैं। क्यों देते हैं? इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। मतलब जो अच्छी खबर मुझे मिली है, जो चीज़ हमको एक गिफ्ट के रूप में दिया जा रहा है, मुझे अपनी जेब से फूटी कौड़ी का खर्चा नहीं है, आपको अपनी जेब से फूटी कौड़ी खर्च नहीं करनी है, ये प्रभु की करुणा है। वो खबर तुम सबको देते हैं, ये है प्रभु के महान संत यूहन्ना का कहना। हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र मसीह के साथ है। चौथा पद, ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। आनंद अपने आप में एक सरल विषय है, लेकिन आनंद अपने आप में एक कठिन विषय भी है। आप कहेंगे कि शास्त्री जी कैसी बात कर रहे हैं, आनंद तो अपने आप में सरल विषय है, हम में से हर व्यक्ति अपने जीवन में आनंद चाहता है। ऐसा है क्या? हम जरा जीवन को मुड़कर देखें। हम में से हर व्यक्ति, मुझे पूरी उम्मीद है कि नियमित रूप से सुबह उठकर दांत वगैरह साफ करके, टॉयलेट वगैरह जाके, स्नान वान करके, कपड़े पहन के, नाश्ता करके अपनी नौकरी के लिए जाते हैं और ये सारे कार्य हमको आनंद देते हैं। और ख़ासकर उत्तर भारत की जो कड़ी ठंड है दिसंबर जनवरी में, मैं मध्य प्रदेश का हूँ, मध्य प्रदेश का जो चंबल इलाका है वहाँ तो ठंड के दिनों -4 तक टेम्परेचर जा चुका है, मैंने देखा है। ऐसी ठंड में दो चीज़ें या दो तीन चीज़ें बड़ा आनंद देती हैं। एक गर्मा गर्म चाय, ग्लास भर के गर्मा गर्म चाय, वो भी अदरक की चाय। नंबर दो, गरम पकोड़े, पकोड़े मंगोड़े कुछ भी हो गर्मा गर्म। नंबर तीन, पता नहीं आप लोगों के इलाके में है या नहीं, हमारे इलाके में ठंड के सीज़न में ठेलों पर मूंगफली बेचते हैं, जिसके बीचों बीच एक छोटा सा घड़ा नुमा होता है जिसके अंदर कोयले जलते रहते हैं, उस कारण उसको उठा के वहाँ से जो मूंगफली है उसे आप ले लें तो मूंगफली गर्म होती है। और इसलिए ठेले वाले हमारे इलाके में जो है गर्मा गर्म मूंगफली, गर्म गर्म मूंगफली अनाउंस करते हुए जाता है। तो ठंड के दिनों ये चीज़ें मिल जाएं तो आनंद ही आनंद है। और ठंड के दिनों में हमारे घर में कोई अतिथि आए या मित्र आए, ये चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हों तो हम शेयर करते हैं या नहीं करते हैं? अरे उपलब्ध ना हो तो भी जो है घर से किसी को भगाते हैं कि जा थोड़ा सा दूध ले आ, और यदि दुकान बंद है तो पड़ोसी से, आंटी से, अंकल से थोड़ा सा दूध मंगा के ला, जिससे कि हम घर में जो आया है उसको गर्मा गर्म चाय पिला सके। आनंद क्या है ये हम सब जानते हैं, आनंद बांटना क्या है ये भी हम जानते हैं, और हम में से सभी ने अपने जीवन में आनंद बांटा है। लस्सी का प्रचलन कम है, लेकिन फिर भी जिन इलाकों में लोगों के पास भैंसें बहुत होती हैं वे लोग गर्मी में कोई घर आता है तो लस्सी ज़रूर पिलाते हैं, और यदि बर्फ़ की व्यवस्था हो तो बर्फ़ डाल के लस्सी पिलाते हैं। पीने वाले को भी आनंद है, पिलाने वाले को भी आनंद है। तो जब यहाँ लिखा है कि हम ये बातें इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए, तो ये मनुष्य की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, मनुष्य का जो स्वभाव है, उसको दिखाता है कि हम आनंद चाहते हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि
दूसरों को आनंद मिले। मैं एक शादीशुदा व्यक्ति हूँ, मेरे दो शादीशुदा बच्चे हैं और मेरी बच्ची का की एक बच्ची भी है। ये लोग, मेरे दोनों बच्चे मुझसे दूर हैं, साल में एक आध बार बच्ची आती है तो उसके आने से पहले ही हम उसके लिए कई चीज़ों का जुगाड़ लगा के रखते हैं, और अब तो उसकी भी बच्ची हो गई है तो उसके लिए और ज़्यादा जुगाड़ करके रखते हैं कि जब आए तो देंगे, क्यों हमारा आनंद पूरा हो जाए। हम अपना आनंद उस बच्ची के साथ बांटते हैं, लेकिन बच्ची जब आती है वो खाली हाथ नहीं आती है, बेटा जब आता है वो खाली हाथ नहीं आता है, वो लोग भी अपने साथ कुछ ना कुछ लाते हैं। मनुष्य के लिए, मनुष्य के जीवन में कुछ बातें स्वाभाविक हैं, जिनमें एक बात है आनंद की अनुभूति, और जिन लोगों से हम प्रेम करते हैं उनके जीवन में आनंद लाने की कोशिश। आप लोगों के बारे में कहा जाए तो यहाँ प्रदेश में आकर साल भर काम करते हैं, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, प्राइवेट इंडस्ट्री में तो गधे से भी ज़्यादा जो है कठोर परिश्रम करवाया जाता है, तब कहीं तनख्वाह देते हैं। जब आपको छुट्टी मिलती है आप अपने गांव जाते हैं तो किसी के लिए कुछ ले जाते हैं क्या? ऐसा कौन भाई है यहाँ या कौन बहन है जिसने साल भर कमाई की है और खाली हाथ लेफ्ट राइट करते हुए अपने गांव जाते हैं? कोई नहीं जाता है, कोई नहीं जाता है। हम अपने भाई बहन चाचा ताऊ माँ बाप सबके लिए अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ ना कुछ ले जाते हैं। तो मैंने अपना उदाहरण दिया, मैंने आपका उदाहरण दिया, जो इस बात को प्रदर्शित करता है कि आनंद की इच्छा हम में से हर मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा है। आनंद की इच्छा ही नहीं, जिन लोगों से हम स्नेह करते हैं उन लोगों के जीवन में यदि हम किसी तरह से आनंद ला सकते हैं, आनंद बांट सकते हैं, तो हम में से हर व्यक्ति उसकी कोशिश करता है कि उसके जीवन में आनंद आए। इतनी बात तो सबको स्पष्ट है। जब हम अपने जीवन में आनंद पाते हैं या दूसरों के साथ आनंद बांटते हैं तो हमेशा उन बातों के द्वारा आनंद मनाते हैं या आनंद बांटते हैं, जो चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं, जो चीज़ें उनके लिए अच्छी हैं। सवाल यह है कि हर व्यक्ति सिर्फ अच्छी बातों से आनंदित होता है क्या? ध्यान से इस प्रश्न को सुन लें। हर व्यक्ति सिर्फ अच्छी बातों से आनंदित होता है क्या? उसका उत्तर है नहीं। हम में से सब तो नहीं, लेकिन कम से कम कुछ लोग ऐसी चीज़ों में भी आनंद करते हैं जो अपने आप में अच्छी नहीं हैं, जो हमको नाश करती हैं, जो कि आत्महत्या के तुल्य है। आप कहेंगे कि शास्त्री जी, आत्महत्या तो कोई करना नहीं चाहता। हाँ, ऊपरी तौर पर हम में से कोई व्यक्ति आत्महत्या करना नहीं चाहता, लेकिन हम में से कई लोग ऐसे हैं जो धूम्रपान करते हैं और मौका मिलने पर थोड़ा सा दारू का भोग भी लगा लेते हैं। ये आत्महत्या नहीं तो क्या है? शराब सीधे सीधे मनुष्य का एक महत्वपूर्ण जो अवयव है कलेजा, सीधे सीधे उसको नष्ट करता है।
हम प्रतिदिन जो कुछ खाते हैं उसमें काफ़ी कुछ जहर होता है। ये सारा का सारा जहर जो है उसको नष्ट करने का काम कलेजे का होता है। उसी तरह से जब हमारे अंदर खाना हजम होता है या शरीर कार्य करता है तब तमाम तरह के जहरीले पदार्थ अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, भोजन से हमारे शरीर में जाते हैं और हम खाना खाते हैं तो उसमें भी कई जहरीली चीज़ें पैदा होती हैं। ये सब कहाँ जाते हैं? ये सब कलेजे में जाते हैं और कलेजा उनको नष्ट करता है। इतना महत्वपूर्ण अंग होते हुए भी हम यदि कलेजे को नष्ट करते हैं और उसमें आनंद मनाते हैं तो वही बात है जो मैंने आपसे कहा था कि सामान्यतया अक्सर अपन उन बातों में आनंद करते हैं जो हमारे लिए अच्छी बातें हैं। लेकिन हम में से कई लोग ऐसे भी हैं जो उन बातों में आनंद करते हैं जो अपने आप में अच्छी नहीं हैं और जो हमको नुकसान पहुंचाती है या हमको नष्ट करती है। इसका एक उत्तम उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। मेरे एक परिचित हैं जिनसे मैं कई चीज़ें खरीदता रहता हूँ। मेरी मुलाकात उनसे 5 साल पहले हुई थी। 5 साल पहले जब मुलाकात हुई तो मैं ख़रीदारी करूँ इस बीच एक सिगरेट ख़त्म हुआ, दूसरा उससे जलाया, वो ख़त्म हो उसके पहले तीसरा जलाया। मैंने पूछा कि भैया तुम कर क्या रहे हो? तो बोले कि मैं क्या करूँ, पिछले 20 साल से चेन स्मोकर हूँ। चेन स्मोकर का मतलब है कि सुबह आप उठे, स्मोकिंग शुरू किया, वो ख़त्म हो उसके पहले दूसरा जलाया, वो ख़त्म हो उसके पहले तीसरा जलाया। मैंने सर पीट लिया कि मित्र तुम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो, तुम इसको बंद करो। तो बोला कि शास्त्री जी मैं ऑलरेडी बर्बाद हो चुका हूँ, कितना बंद करूँ, क्या करूँ। आज से 2 हफ्ते पहले मैं उस आदमी के पास गया। पता है क्या क्या दिखाई दिया? केरल की इस गर्मी में उस बंदे ने बाकायदा गले में मफलर बांध रखा है। केरल की गर्मी में भला कोई, इस गर्मी में भला कोई मूर्ख मफलर बांधेगा क्या? नहीं बांधेगा। उसने क्यों बांध रखा है मालूम है? मैंने पूछा, अच्छा इस बार तो बड़ा मफलर पहन के बड़े हीरो लग रहे हो। मैंने पूछा गले में छेद हो गया ना? वो बोला कि हाँ हो गया। स्मोक कर करके उसको फेफड़े का कैंसर हो गया और फेफड़े के कैंसर के साथ गले में यह छेद हो गया। उसको छुपाने के लिए, छेद जहाँ हो जाता है ना कुछ समय के बाद उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, बास आने लगती है, पत्नी बच्चे पास नहीं आते, तो उसने उसको छुपाने के लिए मफलर बांध रखा है। मैंने सोचा भी कि अब तो कोई और दुकानदार ढूंढना पड़ेगा क्योंकि इसके पास जाके खड़े हों, अपना जो है अपने नाक जो है उसके बाल जल जाएंगे। क्यों? उसने उसको नाश करने वाले जहर में उसने आनंद पाया। हम अपने आप को नाश करने वाले जहर में यदि आनंद पाते हैं तो ये आत्महत्या है। फर्क यह है कि कुछ में जहर खा के तुरंत मर जाते हैं, यहाँ आपको बार बार चेतावनी दी जा रही है, इसके बावजूद जो है आप उस जहर का सेवन किए जा रहे हैं। तो ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए बताया कि हम इस बात को अच्छी तरह से समझ लें, स्पष्टतया समझ लें कि एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी बातों के द्वारा आनंद पाता है, लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को नष्ट करने के द्वारा आनंद पाते हैं। आगे बढ़ूं उसके पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं। आज हिंदुस्तान में
लाखों लोग हैं जो एक साल फेफड़े के कैंसर से मर जाते हैं। फेफड़े का कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो लाइलाज है। उसके 50 कारण हैं, जिसमें से एक कारण यह है कि कैंसर का पता तब चलता है जब आप जो है कब्र में पैर लटका चुके हैं, उसके बाद फिर कोई इलाज संभव नहीं है। दूसरा, उसका कारण जब तक नहीं हटाओगे तब तक शरीर प्रतिदिन मरता जाता है। आज भारत में फेफड़े के कैंसर से हर साल जो लाखों लोग मर रहे हैं उसमें से 90% या उससे ज़्यादा धूम्रपान के कारण मर रहे हैं। ये जानते हुए भी हम जो है अपने आप को विनाश करने वाली उस प्रक्रिया के द्वारा आनंद पाते हैं। तो आनंद की इच्छा करना एक स्वाभाविक बात है, लेकिन जो चीज़ हमको नष्ट करता है उसके द्वारा आनंद पाने की इच्छा अपने आप में बहुत ही खतरनाक है। ये किसी एक विशेष बात को बताता है। किस बात को? अभी बताता हूँ। इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों को नुकसान करने में आनंद पाते हैं। चोर दूसरे का माल चोरी कर रहा है, उसको नुकसान हो रहा है, उठाई गिरे, दूसरे का माल उठा के जेब में डाल, उसको नुकसान कर रहे हैं। ऐसे लोग जो जिनका पूरा का पूरा जीवन मारपीट में बीतता है, ऐसे कई लोग हैं। मेरा गांव चंबल ऐसा इलाका है जहां मारपीट तो बहुत कॉमन चीज़ है। मैं जब BSc में पढ़ता था तब क्लास में यदि 80 विद्यार्थी हों तो कम से कम 20-25 की जेब में रिवॉल्वर या तमंचा होता था। आप लोगों के इलाके में भी तमंचा ही कहते होंगे, वो जो छोटा सा रिवॉल्वर नुमा देशी नहीं, कट्टा, हमारे इलाके में उसको कट्टा कहा जाता है, तमंचा कहा जाता है, रिवॉल्वर। 20-25 विद्यार्थी जेब में रिवॉल्वर डाले क्लास में बैठते थे। दूसरों के साथ हिंसा करने के द्वारा जीवन में आनंद पाना, तो ये तीन बातें मैंने आपको बताई। एक, अच्छी बातें जो हमको आनंद देती हैं उसके द्वारा आनंद पाना। नंबर दो, वे बुरी बातें जो हमको नुकसान पहुंचाती है उनके द्वारा आनंद पाना। तीन, वे कार्य जिनके द्वारा दूसरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसके द्वारा आनंद पाना। अब एक बात बताइए, अपने आप को नुकसान पहुंचाने के द्वारा आनंद पाना ये किस बात को दिखाता है? दूसरों को नुकसान पहुंचाने के द्वारा आनंद पाना ये किस बात को दिखाता है? ये इस बात को बताता है कि कहीं तो हमारे अंदर कोई तो भी खामी है, कोई तो भी कमी है। इसके बारे में प्रभु का वचन बहुत स्पष्टतया बताता है। रोमियो नाम के पुस्तक में हमको मिलता है, उसके 3:23 हम पद में हम पढ़ते हैं, सब ने पाप किया है और ईश्वर की जो महिमा है, मतलब परमेश्वर की जो महानता है, उससे दूर है। मनुष्य आनंद क्या है ये जानते हुए अपने आप को नुकसान करने वाली चीज़ों में आनंद इसलिए पाता है क्योंकि उसके अंदर एक नुक्स है, एक कमी है, और वो कमी यह है कि उसके अंदर पाप का स्वभाव है। उसी तरह से वो दूसरों के जीवन में दर्द पैदा करता है, नुकसान करता है। क्यों? इसलिए कि उसके अपने अंदर एक नुक्स है, पाप का स्वभाव। आप में से जिन्होंने बच्चे पाले हैं, मैं छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहा, यहाँ जितने छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन यदि आपने बच्चे पाले हैं जिन्होंने जो 3री-4थी क्लास या उससे ऊपर पहुँच चुके हैं, तो आप स्वयं जानते हैं कि बच्चों को झूठ बोलना सिखाना नहीं पड़ता है, वो अपने आप झूठ बोलते हैं। क्यों?
अच्छी बात जो है सिखाओ तो ना सीखे, और झूठ बड़े आराम से बोल देते हैं। क्यों? इसलिए कि मनुष्य के अंदर वो एक कमी है, एक घटी है या खामी है, जो उसको अच्छे कार्यों से दूर ले जाकर बुरे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब प्रभु का वचन कहता है कि हम ये बातें इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए, तो सवाल यह है कि लिखने से आनंद कैसे पूरा हो जाएगा? ये सोचने वाली बात है। देखिए, पहला यूहन्ना पहले अध्याय के चौथे पद में हम पढ़ते हैं, ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि लिखने से आनंद पूरा हो जाए। लिखने से आनंद कैसे पूरा हो जाए? यदि आप मेरे पास आए कि शास्त्री जी, जीवन में बहुत दुख है, मैं एक पेपर पे लिख के दे दूं कि बेटा जाओ खाओ पियो खुश रहो, आपका दुख आनंद में बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर ये बातें इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए का क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि हम इन बातों को इसलिए लिख रहे हैं, नंबर वन, जिससे तुम समझ सको कि तुम्हारे जीवन में आनंद क्यों नहीं है। नंबर दो, तुम समझ सको कि तुमको वो आनंद कौन दे सकता है। नंबर तीन, जब तुम समझ जाओ कि तुमको वो आनंद कौन दे सकता है, तो तुरंत जाकर उस आनंद को प्राप्त कर लो। तो इसलिए लिखते हैं क्योंकि इस महान संत ने सिर्फ एक श्लोक नहीं लिखा है, यूहन्ना नाम का बड़ा सा ग्रंथ है उसकी रचना की है, पहला यूहन्ना नाम के ग्रंथ की रचना की है, दूसरा यूहन्ना नाम के ग्रंथ की रचना की है, तीसरे यूहन्ना नाम के ग्रंथ, चार चार ग्रंथ की रचना उन्होंने की है। इन ग्रंथों के द्वारा उन्होंने ये बात स्पष्ट की है कि हमारे जीवन में आनंद क्यों नहीं है और उस आनंद को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है। तो आज संध्या समय यहाँ जितने भाई बहन एकत्रित हुए हैं, सबसे मैं दो तीन प्रश्न पूछना चाहता हूँ। उसमें से पहला प्रश्न, हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं है, पहला प्रश्न ये है, हम में से कितने लोग हैं जिनके जीवन में विभिन्न प्रकार के दुख हैं? हम सब के जीवन में हैं। मैं तो बड़ा शांत जीवन बिताता आया हूँ, लेकिन मेरे जीवन में भी कई प्रकार के दुख हैं। मेरे परिवार के बारे में है, मेरे परिवार से संबंधित अन्य परिवारों के बारे में, मेरे मित्रों के बारे में है, इवन वो जो दुकानदार जिससे मेरा व्यवहार है उसके बारे में मेरा दुख है कि अरे भैया तुम अपने जीवन अपनी ज़िंदगी जानकर बर्बाद कर रहे हो। और ऐसी स्थिति आ जाएगी जब ऐसा बास आएगा, कीड़े पड़ेंगे कि तुम्हारी बीवी और बच्चे जो है तुमसे दूर भागेंगे, ऐसे केस मैंने देखे हैं। तो इन सब के बारे में मेरे मन में दुख है, लेकिन उसमें सबसे पहले किस दुख का इलाज करना है? सबसे पहले मेरे स्वयं के जीवन में जो दुख है उसका इलाज करना है। मैंने तो कर लिया है। मेरे जीवन में दुख का कारण ये था जब मेरे पापा ने मुझे बताया कि बेटा जब ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी तो हम या तो प्रभु के पास जाएंगे या प्रभु से सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाएंगे। तब मुझे बहुत दुख हुआ कि पापा मैं तो प्रभु से सदा सर्वदा के लिए दूर होना नहीं चाहता, मैं क्या करूं? तब पापा ने उसका हल बताया। मैंने वहीं पर घुटने टेक कर प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया। मेरे जीवन में पाप की जो समस्या थी उसका हल हो गया और आज मैं खुशी खुशी जी रहा हूँ उस मामले में। आज यहाँ पर जितने भाई बहन हैं, इनमें से जिन्होंने अपने जीवन में इस शाश्वत जीवन का अनुभव नहीं किया है, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, प्रिय भाई प्रिय बहन, उस शाश्वत जीवन का अनुभव कर लें, उससे भागे नहीं। यदि आप विषय को स्पष्टतया समझ नहीं पाए हैं तो इस सभा के बाद मेरे पास आइए,
भाई जेफरी के पास आइए, भाई संतोष के पास आइए, वो भाई बर्नबास बैठे हैं उनके पास जाइए। हम चार हिंदी में आपको समझा सकते हैं, उधर बहन मोली हैं, बहन जोइस है, वो हिंदी में आपको समझा सकते हैं, और भी भाई लोग हैं पीछे की तरफ जिन्हें हिंदी बोलने में इतनी आसानी, जो नहीं बोल पाते वे लोग भी टूटी फूटी हिंदी जैसी भी है आपको समझाएंगे। लेकिन जीवन में आनंद की जो ज़रूरत है, जो मूल ज़रूरत है, उससे दूर न भागें, पहली बात। दूसरी बात, जब यह आनंद पा लेंगे उसके बाद यदि हमारे जीवन में पर्याप्त आनंद नहीं है तो हमें उसका इलाज करना चाहिए। आज इस सभा में कम से कम 10-12 ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में प्रभु यीशु के द्वारा शाश्वत जीवन पाया है, और जो शाश्वत जीवन के आनंद को जानते हैं, इसके बावजूद उनके जीवन में कुछ न कुछ दुख है। उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, प्रभु का वचन याद दिलाता है, प्रभु के लिए कोई चीज़ असंभव है क्या? नहीं है। संतोष भाई सही बोले, नहीं है, प्रभु के लिए कोई बात असंभव नहीं है। इसलिए यदि प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करने के बाद जो विश्वासी लोग यहाँ बैठे हैं उनके जीवन में व्यक्तिगत कारणों से, परिवार के अन्य सदस्यों के कारण से, मसीही मंडली के अन्य विश्वासियों के कारण से, या नौकरी पेशा लोग नौकरी में अन्य लोगों के कारण से यदि आपके जीवन में किसी तरह का दुख है, तो इस बात को याद रखिए कि जिस प्रभु ने आपको शाश्वत जीवन दिया है वे बाकी सब कुछ आपको प्रदान करेंगे। हमको जीवन में जो कुछ मिला है उसमें सबसे मूल्यवान चीज़ है शाश्वत जीवन, जिसके लिए प्रभु यीशु को सूली पर अपने जीवन त्यागना पड़ा था। जब प्रभु हमारे लिए वो करने को तैयार हैं तो उसके बाद तो सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो आज जो विश्वासी भाई बहन प्रभु का वचन सुन रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप अपने जीवन में अनावश्यक रूप से किसी भार को लिए चल रहे हैं क्या? सवाल यह है कि जब प्रभु उस भार को आपसे लेकर उसको हल्का करके उसका हल देने के लिए तैयार हैं, तो आप क्यों उस भार को लिए चल रहे हैं? मुझे याद है एक कहानी, एक नाव में काफ़ी सारे मजदूर लोग काफ़ी भारी भारी गट्ठर लेकर जा रहे थे। नाव वाले ने कहा कि आज वजन ज़्यादा हो गया है इसलिए कोई हिले डुले नहीं। तो उसमें से एक मजदूर ने तुरंत नाव पर रखा हुआ अपना गट्ठर उठा के अपने सर पे रख लिया। नाव वाले ने पूछा कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हो? वो बोला कि नाव पे वजन ज़्यादा है, मैंने सोचा कम से कम मेरे गट्ठर का वजन जो है उसको मैं कम कर दूं, इसलिए मैं अपने सर पे रख रहा हूँ। हम में से कई लोग जो वजन प्रभु हमारे लिए उठाना चाहते हैं उस वजन को अपने आप उठाए चल रहे हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, आपके व्यक्तिगत जीवन के कारण, आपके परिवार के सदस्यों के कारण, आपकी मित्र मंडली के कारण, मसीही मंडली के कारण, नौकरी के कारण या किसी और कारण से यदि आपके जीवन में यदि ऐसा भार है जो आपके आनंद को आपसे छीन रहा है, तो आज प्रभु के पास आइए। प्रभु का वचन कहता है अपना सारा भार प्रभु पर डाल दो, क्योंकि प्रभु को तुम्हारा ख्याल है। कास्टिंग योर बर्डन अपॉन द लॉर्ड बिकॉज ही केयर्स फॉर यू। अपना सारा भार प्रभु पर डाल दो क्योंकि प्रभु को तुम्हारा ख्याल है। इस कारण मेरे प्रिय भाइयों और बहनों,
जिन्होंने अपने जीवन में शाश्वत जीवन पा लिया है, वे उस नाव में यात्रा करने वाले व्यक्ति के समान मूर्खता से उस वजन को अपने सर पे ना रखें, प्रभु नामक नाव पर उसको डाल दें, प्रभु उसका ख्याल रखेंगे। हाँ, इस सभा में जिन भाइयों बहनों ने कभी भी प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में नहीं पाया है, उनसे मेरा अनुरोध है, संसार के सृष्टिकर्ता आपके पापों के इलाज के लिए संसार आए, उन्होंने उसका इलाज दे दिया है, अब क्यों आप उस भार को अपने साथ लिए चल रहे हैं? इन बातों को अच्छी तरह से समझने, प्रभु के पास जाने और प्रभु के द्वारा शाश्वत जीवन पाने के लिए प्रभु आपकी मदद करें।